काम कर दूंगा। अब वो कह रहे यार सॉरी मैं तो ये अपना कोड आपको दे नहीं सकता, मैं कोड नहीं देना चाहता। हाँ आपने फंक्शनैलिटी ली है तो फंक्शनैलिटी ले लें, और दोनों सेम लैंग्वेज में, वो भी सी शार्प में है, सी शार्प में। तो क्या तरीका कार होता है वो अपना कोड मुझे किस फॉर्म में देगा, कोई एक बता बताए। मतलब किसी ऐसे फॉर्म में देगा कि जो मशीन रीडेबल होगी ना, ह्यूमन रीडेबल ना हो, उसको आप डीएलएल कहते हैं। ऐसे है ना, रेफरेंसेस ऐड करते हैं हर चीज के। तो मैं हमसे वो प्रोजेक्ट ले लूंगा किसी ऐसे फॉर्मेट में जो कि मशीन रीडेबल होगा, वो मुझे कहेगा ये फंक्शन का नाम है रीड कैमरा कैप्चर कैमरा, कॉल और कैमरा कैप्चर करेगा, और वो क्या रीड फ्रेम टू रीड फ्रेम करेगा। मैं को यार ये कैसे काम हो रहा है, बैक एंड पे मैंने दिन को पता करना है बात का 100 लाइन लिखी। इसे मतलब इनके कोड को मैं ये यूज कर रहा हूं, और साथ ही मैं इनके कोड को व्यू भी नहीं कर सकता, कॉपीराइट से के ठीक है। हां मैंने इसे लाइसेंस लिया हुआ है कि मैं यूज कर सकता हूं आपके कोड, सही है। लेकिन अगर ये मुझे अपना पूरा कोड बना के दे दे ओपन सोर्स की तरह, कि मेरे पास कोड सामने आ रहा है, तो मेरे पास मैं वो कहते हैं इनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। ऐसे ही है ना, माइक्रोसॉफ्ट कभी भी अपना कोड नहीं देता, बाकी लैंग्वेजेस तो फिर भी ओपन सोर्स दे देती है, सही है। अब मैं थोड़ा सा इस एग्जांपल से ऊपर जाता हूं, मैं कहता हूं कि यार अगर मैं और ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे है, ये जावा में बहुत सारा काम मैंने किया हुआ है इसको डिटेक्ट करने का, आज मैं इस शॉप में कैसे यूज कर सकता हूं, इज इट पॉसिबल, वी हैव पॉसिबल तरीका। उसकी आपको क्लास फाइल सही होगी या क्लास फाइल्स वो होंगे आप उसको डीकंपाइल करेंगे, और वैसे उसका मेन तो फाइल सब चीज ही होंगी। एक और तरीका है, अगर आप नेटवर्क प्रोग्रामिंग में एक कांसेप्ट देखें प्रोसेस लेवल यानी पर प्रोसेस कम्युनिकेशन, दो एप्लीकेशन आपस में अगर कम्युनिकेट कर रही और दो एप्लीकेशन जैसे शॉप में बनी जावा में बनी, ठीक है, दोनों डिफरेंट एनवायरनमेंट में बनी, इज इट पॉसिबल कि वो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सके। यस देयर इज अ वे, अगर उनको कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पता है टीसीपी या यूडीपी पर, वो कर सकते हैं कभी भी। आप टीसीपी के थ्रू आप एक मैसेज सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, इसी तरह आप यूडीपी के थ्रू बस करेंगे। इधर में वो जावा में एक यूटिलिटी बनाई थी जो इस कैमरे को मॉनिटर कर रही और उसे सी शार्प में नहीं बना, और इनके जावा में ये कहता है ये कोड नंबर 1045 है, इसके आप ये रिक्वेस्ट भेजो तो मैं आपको फ्रेम बेहतर होगा बाइट अरे बेहतर होगा कोड आप रीड कर करो और डिस्प्ले कर करो। मैं कहता यार बाइट अरे तो इनका मेरे लिए डेटो का काम ठीक है, अरे बना के रीड कर लो, अब मैं इसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं मतलब कहीं और इंटरनेट बैठा हूँ, सही है, और मैं इसे कहता हूँ कि यार मैं बहुत सा डिफरेंट काम करने जा रहा हूँ, सॉकेट से ये कहता है मैं थोड़ा ऊपर आता हूँ, मैं अपना जो यूटिलिटी बनाई है उसके अंदर कम्युनिकेट कर देता हूँ, मतलब और बाकी लोगों को भी इसकी एक्सेस दे देता हूँ जो आप यूज करना चाहिए यूज कर। उसके एग्जाम्पल मैंने आपको एक आप देखिए अमेजोन देता है स्टोरेज सर्विसेज, अमेजोन की साइट कितने लोगों ने गिफ्ट की, फेसबुक पर कितने लोग यूज करते हैं, ट्विटर्स कितने लोग यूज करते हैं, ट्विटर्स के फेसबुक के अगर आप अपने अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन रिमोटली एक्सेस करना हो तो एज ए प्रोग्रामर आप एक्सेस कर सकते हैं, वैसे कि आप कॉमन यूजर तो नहीं कर सकते। मैं कहूँ यार कि मैं कोड अगर कंप्यूटर में विंडो के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखूं कि जी लॉग इन फेसबुक और मुझे कमांड प्रॉम्प्ट नहीं, मुझे इसमें क्या ऑप्शन देगा, जो सॉफ्टवेयर होगा कमांड प्रॉम्प्ट पे तो वो मुझे ऑप्शन देगा, और वो सॉफ्टवेयर भी टेक्निकली फेसबुक की किसी डेवलपर की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक कम्युनिकेट करेगा। इसका मतलब ये कि मैं अगर एप्लीकेशन लेवल पे कम्युनिकेट करना चाहूँ तो मेरे पास एक तरीका था जो मैंने टीसीपी यूडीपी तक समझाया, उसके लिए भी मैं एज ए प्रोग्रामर टेक्निकल मुझे होना चाहिए और इनको भी टेक्निकल होना चाहिए एंड यूजर के लिए भी। तो हम कहते हैं कि अगर वेब के ऊपर इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयरिंग करनी है, आपने एक वेब एप्लीकेशन होती है और एक वेब आप समझेंगे सर्विस होती है, ठीक है। सर्विस का मतलब है कि आप उसे भी काम में और आप उन्हें काय करने का काम करें, ऐसे ही हैं सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं, ऐसे ही काम करते हैं ना, आप किसी चीज की रिक्वेस्ट करते हैं और उसको रिप्लाई। लेकिन अगर मैं सर्विस को वेब सर्विस के साथ जोड़ दूं, वेब के साथ जोड़ दूं, इसका मतलब है कि किसी प्रोटोकॉल की बात हो रही जो कि एचटीटीपी के ऊपर, ठीक है, और वो भी अक्रॉस द प्लेटफॉर्म हो सकता है, ये तो एक अभी हम एक्सपेक्ट सोच रहे हैं, लेकिन अक्रॉस द एप्लीकेशन वो लाजमी होगा। मसलन मैंने कहा अमेज़न की एक साइट बनी हुई है, अमेज़न में क्या होता है सर, कुछ कौन सी होती है, छोटी सारी चीजें होती हैं, फ्रेंड्स वगैरह साइकिल वो बेसिकली सेल परचेसिंग आइटम्स होते हैं, ऐसे ही है डिफरेंट आइटम्स की इंफॉर्मेशन होती है।
अगर मैं कहता हूँ कि मैंने भी इस तरह की वेबसाइट बनानी है ठीक है और उस वेबसाइट पे मतलब पास्ट में मैं इंफॉर्मेशन आइटम क्या दूँ और बाकी परचेजिंग और सेलिंग अमेजोन करे अमेजोन सेल परचेज वही करेगा लेकिन मैं एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ मेरी वेबसाइट से भी आप जा सकते हैं मेरी अमेजोन वाले के साथ कम्युनिकेशन होगी कि भाई मेरे थ्रू जो बंदा आएगा मैं 1% आपसे चार्ज करूँ होते हैं ना भाई क्योंकि यूके यूएसए में यही बिजनेस चल रहा है ठीक है ये जो मेहमान जो इस पे लोग जाते हैं और ऑर्डर्स करते हैं वो अगर आपकी वेबसाइट पे जा रहे हैं तो आपको शेयर मिलते हैं उससे पॉइंट्स मिलते हैं अब वो वेबसाइट इस वेबसाइट पे किस तरह ट्रैक करती होगी तो देयर आर वेज के हो सकते हैं कि वो वेबसाइट जिसने बनाई हुई है टेक्निकल डेवलपर ने इस तरह के कोई एंट्री पॉइंट्स बनाए हैं जो कि आपकी वेबसाइट का डेवलपर उससे कम्युनिकेट कर रहा हो एज एंड यूजर आपको तो नहीं पता मैं क्लिक कर वो सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि मैं वेबसाइट लिंक पे क्लिक करता हूं तो दूसरी वेबसाइट आ चुकी होती है पता ही नहीं होता ऐसे ही ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं आप शॉपिंग में क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन यूज कर मैंने वेबसाइट बनाई मैं कहता हूँ मेरी वेबसाइट पर मेरे से कंप्यूटर आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं अब परचेज आप क्रेडिट कार्ड से करते हैं क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं पड़ी कि इसका क्रेडिट कार्ड एक्सपायर्ड है या ये फेक है या इसमें इतने अमाउंट है कि नहीं वो कहाँ पड़ी होगी वो जो क्रेडिट कार्ड सर्विस प्रोवाइडर है बेसिकली उनके पास होगी अब क्या मतलब आप वेबसाइट परचेज करें तो एकदम मेरे पास क्रेडिट कार्ड है मैं तो सिस्टम ऑटोमेट बनाना है सिस्टम लेवल पे बैक एंड पे कोई ऐसी कोडिंग हो कि वो कि मैं सर्वर पे जाए वेबसाइट पे जाए वहां से कंफर्मेशन करे कि ये क्रेडिट कार्ड नंबर वैलिड है कि नहीं है वापस आए और मैं आप मैसेज को भेज आपका क्रेडिट कार्ड गलत है ठीक है मेरी वेबसाइट से आपकी इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन मैं किसी और वेबसाइट से आपकी इंफॉर्मेशन वेरीफाई कर रहा हूं आपके बैकग्राउंड रिपोर्टर है कि नहीं आपके अमाउंट लिमिट है कि नहीं तब मैं आपको बताऊंगा बता आपकी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन तो मेरे पास है जब इस तरह की डिपेंडेंसीज आती है एप्लीकेशन के अंदर मॉडल ये कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को आप इस मर्जी लेकर इंप्लीमेंट करें सही है तो हमने यहाँ पर ये किया था कि इसका यूजर इंटरफेस नहीं है क्योंकि ये डेवलपर टू डेवलपर कम्युनिकेशन ठीक है तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन हम ब्राउजर पे शो तो कर रहे हैं हम अभी जावा उसके क्रोम में आप दिखा रहे भाई वो एक्सएमएल आ रही है या वो जेसन स्ट्रिंग आ रही है लेकिन वो तो बस जस्ट आपको समझाने के लिए दिखा रहा है वो ऐसा तो नहीं कि मैं किसी क्लाइंट को दे दूं पर ये आउटपुट आ गई ठीक है हो सकता है उस आउटपुट से मैं ग्राफ ड्रा करूं हो सकता है उसको मैं ग्रिड में शो करूं हो सकता है कोई कलर सर्कुलर ग्राफ शो करूं इसमें पाई कहते हैं हो सकता है कोई लाइन बार ग्राफ बहुत सारी इंफॉर्मेशन है डिस्प्ले करने की ऑप्शन यहाँ पर आप देख लेंगे जी हम वेब सर्विस के बेसिक हमने देखा था कि एक फंक्शन आप देख के उसकी इंफॉर्मेशन को हम गेट कर रहे हैं दूसरी साइड पे ठीक है मैंने आपसे कहा था मैं आपको कोशिश करूंगा जावा में करवा दूंगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ किए होगा तो मैं कोड लेके यहाँ पर आपको डिस्प्ले .NET के अंदर डेस्कटॉप एप्लीकेशन में कैसे कॉल करते हैं कंसोल एप्लीकेशन में कैसे कॉल करते हैं किसी वेबसाइट में कैसे कॉल करते हैं ये तीनों हम कर लेंगे ठीक है आईफोन वाला एनवायरनमेंट मेरे पास है नहीं अगर वो मेरे पास कोई लैपटॉप हुआ या वीएम कोई हुआ तो मैं वहां भी आपको दिखा दूंगा कि आप आईओएस के अंदर या ऑब्जेक्टिव सी में कैसे कॉल करेंगे सही है तो हर लैंग्वेज में कॉल करने का एक तरीका तो आसान है लेकिन किसके थ्रू उनकी अपनी लाइब्रेरी है उसके थ्रू ठीक है इसलिए हमने कहा था कि इसको डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए वैसे तो मैंने हार्डकोड बनाया था डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए एंटिटी फ्रेमवर्क हमने लास्ट टाइम किया था एंटिटी मॉडल वाला डेटाबेस पढ़ा था आपने जो ने पहले डेटाबेस बनाया था वो कौन सा बनाया था बुक्स के कोई डेटाबेस पढ़ा हुआ देखिए कोई भी डेटाबेस पढ़ा अब हम ये करते हैं कि ये सपोज कर लें कि ये वेब सर्विस आपकी मेन सेंट्रल सर्वर पे डेटाबेस पड़ा हुआ है मान्य सर्वर और वो यहाँ एक्सेसिबल नहीं है किसी भी वजह से या ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ और है वहाँ विंडो है ये विंडो के साथ कंप्यूटर कंपेटेबल नहीं लेकिन मुझे डेटाबेस से टेबल की इंफॉर्मेशन चाहिए हर हाल में ठीक है और वो मैंने इंफॉर्मेशन किसी वेबसाइट में मेरी अपनी एक एप्लीकेशन में बना रहा हूँ एंड्रॉइड में आईफोन में या कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ डेस्कटॉप मैंने उसके अंदर उसको शो कर रहा है उस एप्लीकेशन के अंदर शो कर रहा हूँ तो मैं कैसे लेकर आऊंगा वो मैं इस वेब सर्विस के थ्रू लेकर आऊंगा ठीक है
ठीक है, हम इसके ऊपर एंटिटी मॉडल जो लास्ट नहीं आए थे अगर एंटिटी फ्रेमवर्क में, तो मैं जल्दी से एक क्विक फास्ट में हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे अपने शिक्षा के साथ और वही वेब सर्विस के अंदर इससे क्विक करेंगे, फर्स्ट एप्लीकेंट्स सारे एप्लीकेंट्स हम रिटर्न करेंगे, कोई भी मुझे एप्लीकेंट की रिक्वेस्ट भेजे मैं एप्लीकेंट की रिकॉर्ड सारे उसको एक्सएमएल में या जेएसएल फॉर्मेट में रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। आप ऐसे करेंगे स्कैन हम इसके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में एंटिटी मॉडल के लिए हमें एक एंटिटी की फाइल ऐड करनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करके ऐड आइकन करें। अब ये वेब सर्विस का पार्ट नहीं है, ये वेब सर्विस को हम डेटाबेस से कनेक्ट कैसे कर रहे हैं इसके लिए वो वाला डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। डेटा वाले इसमें इसमें आपको एडियो डॉट नेट एंटिटी डेटा मॉडल इसको यहाँ नाम दे दे मॉडल वन है, इसको नाम देते हैं जो डेटाबेस का नाम है उसका नाम दे दें, बुक ऐप की मॉडल करते हैं मॉडल लिख दें सब बुक मॉडल करते हैं। ये अपने फाइल सेलेक्ट की फाइल को अपने नाम देते हैं, अगर आपको याद हो तो ये विजर्ड स्टार्ट करते हैं जिसमें डेटाबेस बताते हैं और टेबल सेलेक्ट करते हैं और इससे हमें एक डायग्राम बन जाते हैं, ठीक है। जब एक हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे यहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे, इसमें किसी को क्वेश्चन तो नहीं आने पड़ा बन यहाँ से सर्वर सेलेक्ट करें और डेटाबेस ज्यादा रिफाइंड नजर आएगा
वो पुराने वर्जन पर निर्भर है। इसमें जो आपकी प्राइम जो सॉरी रिक्वायर्ड फील्ड है वो इसी तरह होगी, जो ऑप्शनल फील्ड होगी ना नल अलाउ होगा उस फील्ड के साथ नलेबल टाइप लिखा होगा। ठीक है, इसका मतलब है इसमें वैल्यू दे या ना दे वो अलाउ है, नलेबल सही है, इसलिए ये भी नलेबल है। बाकी ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग तो वैसे भी नल अलाउ करता है, इंटीजर में आप होता है ना नल नहीं होता, जीरो होता है। तो इसलिए अगर इंटीजर में आपने वहां पर टिक किया हुआ है नलेबल टाइप तो फिर ये नलेबल आता है। बस मैं आपको समझाऊंगा क्या कहना चाहता हूं। इसमें हम ऑफिस ये जो एप्लीकेंट है इसको डिजाइनर ओपन कर इसका राइट क्लिक कर राइट डिजाइन मोड ओपन जो नलेबल है ना उसका टिक मोड है। देखिए ये डिसेंटर इंट है, इसका मतलब अलाउ नल है। आप इंटीजर में नल अलाउ कैसे कर सकते हैं, इसका मतलब जीरो तो नल नहीं होता ना, तो उसको नलेबल टाइप बनाना होता है या सी शार्प आप लेटेस्ट देता है किसी भी प्राइमरी टाइप के साथ क्वेश्चन मार्क लगा दो तो वो नलेबल बन जाएगी। ठीक है, लेकिन एंटिटी मॉडल उसके साथ नलेबल की क्लास के साथ ऐसे जेनेरिक टाइप के पास है। अगर मैं इसको यहाँ पर अनटिक कर दूं, अनटिक कर दूं, सेव करो, अपडेट करो अपना मॉडल तो नलेबल खत्म कर दूं, तो इसलिए ये इंटीजर के केस में नलेबल आ रहा है और इसके केस में नलेबल आ रहा है। इसके केस में नलेबल नहीं आ रहा है, इंटीजर में अलग ही, क्योंकि ये अलाउ नल नहीं। वापस आए जरा कोड में, ये देखिए ये नलेबल इंट नहीं है, ये नलेबल इंट है और ये नलेबल इंट है। हालांकि ये भी अलाउ नल था, ये भी अलाउ नल था, ये भी अलाउ नल था, लेकिन स्ट्रिंग वैसे ही रेफरेंस टाइप है इसमें तो नल आ सकते हैं, स्ट्रिंग को इक्वल टू नल कर सकते हैं, लेकिन इंट आई इक्वल टू नल नहीं कर सकते। अगर आप नलेबल आई करते हैं तो नल आ सकते हैं, ये आई के इंट के साथ क्वेश्चन मार्क लिख दें तो भी नल अलाउ करते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्लासेस सारी किसने बना दी। अब वापस आए सर एक्सप्लोरर में, हमारे पास ये वाली मिलती है लेकिन वो ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट है, थोड़ा सा ये वैरी करती है बस मॉडल के हिसाब से, बाकी वही एंटिटीज के नाम से क्लास करती है। ये क्लास रिस्पॉन्सिबल होगी आपकी पूरे डेटाबेस को ये कंट्रोल करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट मैं बनाऊंगा और डेटाबेस में इंसर्ट अपडेट डिलीट जो भी करूंगा इस क्लास का ऑब्जेक्ट में करूंगा। ठीक है, इसके अंदर आपको जितने भी टेबल्स हैं उनकी ऑब्जेक्ट की एरे बनी नजर आएगी, एप्लीकेंट्स एप्लीकेंट के टेबल की पूरी रिकॉर्ड इसके पास परमानेंटली है। डीबी सेट का मतलब एक किस्म की एरे है, एरे ऑफ एप्लीकेंट टेबल। तो इसके अंदर अगर 100 रिकॉर्ड है तो इसके अंदर 100 एप्लीकेंट्स ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, इज इट क्लियर। ठीक है, समझ आ गई नहीं बात, तो इसका नाम एप्लीकेंट्स के लिए, वो जो प्लुरलाइज वाली ऑप्शन थी ना वो यहां अप्लाई होगी, जो उसी क्लास का नाम आप जमा में छोड़ दो ताकि प्रोग्रामर के लिए आसानी हो डिटेक्ट करने के यार इस वेरिएबल का मतलब एक फ्लाइट टेबल को रेफर कर रही है। ठीक है, इसी तरह ये बुक की पीपी सेट है और बुक्स के नाम से है और दिस गेट सेट मींस कि इट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉपर्टी। अगर मैं एप्लीकेंट्स डॉट ऐड करता हूं तो ये सब का इंसर्ट की क्यू चल रही है, एप्लीकेंट डॉट डिलीट कर रहा हूं तो डिलीट की क्यू चल रही है, और अगर अपडेट करता हूं किसी वेरिएबल को इसके अंदर से तो इसका मतलब अपडेट की क्यू चल रही है। ठीक है, अच्छा ये तो तीन इसके ऊपर इस तरह से काम करते हैं। अब आप आए वो जो हमारा मॉडल था सर्विस में है, वापस मैं एक फंक्शन बनाता हूं, मैं कहता हूं कि गेट ऑल एप्लीकेंट्स और वो डेटाबेस एप्लीकेंट से भाग के वापस रिटर्न करेगा जो बाय से कॉल भेजेगा। ठीक है, क्योंकि वेब सर्विस है क्लाइंट करे कहीं भी हो सकता है। यहाँ पर हम कहते हैं कि जो यूजर्स नेम है आप समझे कि ये डेटाबेस से सारे एप्लीकेंट से भाग के रिटर्न कर रहा है, लेकिन आप नेम नहीं, नेम को मैं खत्म एक और फंक्शन बनाएंगे जो चार लाइन कॉपी पेस्ट कर चारों को कॉपी पेस्ट कर। अब मुझे एप्लीकेंट्स कुल एप्लीकेंट की इंफॉर्मेशन रिटर्न कर दी। अब यहां पर लिखे गेट एप्लीकेंट्स, इसका नाम लिखे यूजर नेम लिखे गेट एप्लीकेंट्स, गेट एप्लीकेंट्स उसी को कॉपी करें और फंक्शन का नेम ये। लेकिन जो ये रिटर्न करेगा ये स्ट्रिंग नहीं होगा, इसमें उसका नेम भी होगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम उसका यूजर नेम पासवर्ड इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, तो ये स्ट्रिंग नहीं होगा, ये एप्लीकेंट टाइप होगा, लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट होगा।
और अपनी क्या इनकी क्लास है हमारे पास, ठीक है, तो अगर ये 10 रिटर्न करेंगे तो 10 के एरे जा रही है, सही है, और इसी को इसी नाइन को कॉपी करेंगे लास्ट नाइन में, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन वाली क्लास है उसमें आ जाएंगे सर्विस वन एसपीसी को, यहाँ पर एक कोई फंक्शन नीचे बनाएंगे पेस्ट कर देंगे। अच्छा अब इसके अंदर हम डेटाबेस से सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट करके और रिटर्न करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास आसान तरीका ये है कि जो नहीं इस तरह ना करें जरूरत नहीं है। अब जो बुक एंटिटी वाली एंटिटी मॉडल है ना इसकी, उसकी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसका नाम था बुक डीपी एंटिटीज, ठीक है ना, ये इसका ऑब्जेक्ट बना रहे स्पेस डीपी इक्वल टू न्यू अगर ये एरर दे रहा है किसी कंपेटेबल नहीं है उसका, तो यहाँ पर डॉट टू लिस्ट कर दिया आपने, एप्लीकेंट्स के बाद डॉट टू लिस्ट, डॉट टू लिस्ट कर दिया आपने बस फंक्शन कॉल। अब हो गई ये कि ये जितने भी एप्लीकेंट डेटाबेस में किसी का सेलेक्ट किया एक फॉर्म एप्लीकेंट टेबल की भी चल गया, अगर आपने ऑर्डर बाय करना है बाय देयर नेम तो हमने कहा था कि डॉट ऑर्डर बाय डॉट टू से पहले डॉट ऑर्डर बाय लिखो, अगर आपने फिल्टर करने हैं तो डॉट देयर लगा दो, कोई लिंक की क्यों नहीं। सपोज अभी हमें सारे रिटर्न करते हैं, ठीक है, ये अब सारे एप्लीकेंट्स रिटर्न करो, अच्छा इसको बिल्ड करके रन करें और देखिए ये जो बेटर एप्लीकेंट है उसको कॉल करें, इसको डायरेक्ट रन करेंगे तो ये अलग से कुछ क्या आ जाएगा, मैंने एरर क्या है जो इम्प्लीमेंट करेंगे ना फंक्शन वो मस्ट पब्लिक होना चाहिए, प्राइवेट नहीं होना, क्योंकि एडवर्टाइज के आप फंक्शन को आप पब्लिक के लिए बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वही यार नहीं बिल्ड करें तो बात मैंने तो नहीं लगाया, नहीं पार्ट वन नो प्रोजेक्टेड नेम बुक एंटिटी, क्या हुआ, तो ये एरर दे रहा है ना, एरर कहाँ दे रहा है, नो प्रोजेक्टेड नेम बुक एंटिटी भी कहाँ पार्ट वन। अच्छा एक काम करते हैं, वो कभी कभी गलत कंफिग आपकी गड़बड़ कर देती है, मैं भी कर रही हूँ, इसको स्टॉप करके गलत कंफिग ओपन करें, उसने वेब कंपनी का कर दिया था ना, इसमें कोई इशू ना आ गया, इसमें अक्सर इशू आ जाते हैं, ऊपर स्क्रॉल ये ऊपर ही आपको नीचे आहिस्ता से नीचे है, अच्छा नहीं है, चलो इसके भी सोल्यूशन है, वो कनेक्शन स्ट्रीम पे बनी थी ना, वो इसमें सेम सही है प्रॉपर्टी, आप एक काम करें सोल्यूशन एक्सप्लोरर में द्वारा ये बल्कि ये जो डायग्राम है इसमें डायग्राम में वापस आए, ये नहीं मेरी डिफॉल्ट कनेक्शन नहीं
किसमें हूँ? हाँ इस मॉडल में राइट क्लिक करें, अपडेट मॉडल करें डेटाबेस से अपडेट। अच्छा ये एक मिनट, ये दिखा रहा है और ये फाइल में है भी, इसको वैसे पहले सेव साइड कॉपी कर लें इस पूरी कनेक्शन से। साइड पर ऊपर कॉपी कर लें, अगर नहीं किया तो मैनुअली कुछ भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें, होपफुली ये क्रिएट कर देगा। ठीक है टेबल कुछ भी नहीं है, फिनिश कर दें। सेव करें, अब उसके स्टैटिक आर्ट कंट्रोल शीट सेव करें, स्टैटिक आर्ट में मैं बाकी यहाँ इसमें आप ऊपर सबसे ऊपर जाएंगे, चल चलाए पता चल जाएगा कहीं नहीं आगे ऊपर ही ये आगे। हाँ ये आगे ठीक है। अक्सर ये होता है कि कभी कभी ना बिजनेस में इसके छोटे छोटे इश्यूज हैं, पहले तो इसमें काफी ज्यादा थे लेकिन ये मॉडल में आप थोड़े से हैं, ये कभी कभी फाइल प्रॉपरली राइट नहीं करता अपने ठीक है। चलिए इसको आप दोबारा चलाएं, मतलब उसको रिफ्रेश कर लें ब्राउजर में, रिफ्रेश कर लें फाइल प्रॉपर को खोलें, इसको रिफ्रेश करें। अच्छा अब ये सारे एप्लीकेंट्स आ गए हैं लेकिन ये एक्सएमएल है, इसको तो कर दें जेसन कर दें ताकि मैं इसे डाउन कर दूं। और उसको रहने दें एक और ब्राउजर में रिफ्रेश करें ताकि दोनों कंप्लीट हो सके। बिल्ड कर सकते। अच्छा अगर इसको थोड़ा सा देख सके या बड़ा कर सके इन दो पॉइंट्स को फोकस कर लें। तो पिछले जो हमने एग्जांपल पढ़ी थी एक और उसमें भी है, थर्ड टैब ओपन करें तो जो यूजर नेम्स है ना यूजर्स नेम वो भी ओपन करें, बाकी मैं बताऊंगी इसमें और इसमें फर्क क्या है इसलिए ठीक है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप एक्सेल के साथ काम करेंगे तो आपको जब भी सीरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होगा ना तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्क्रिप्ट कभी कभी जेसन में कुछ भी बनानी पड़ती है, मे बी मेरे जेल के लोग काम करते हैं ये बनाते भी हैं जेसन के साथ ठीक है ना। इसमें सिर्फ वेरिएबल के नाम आ रही है, स्ट्रिंग आ रही है, तो दूसरे टाइप में है जैसा में। इसमें ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना ये वाला, दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज रिप्रेजेंटिंग एरे ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट यहां से शुरू हो रहा है और यहां खत्म हो रहा है, इसका मतलब है कि ये एरे के अंदर ये सारे डेटा कौन से हैं, ये सब के वेरिएबल्स हैं या वैल्यूज हैं। लेकिन अगर इसके बाद एक और एंगल ब्रैकेट आते हैं कभी ब्रेसेस आते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ कस्टम ऑब्जेक्ट ठीक है। अब मेरा बनाया हुआ ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का नाम है ना एप्लीकेंट, तो उस ऑब्जेक्ट का जो बेसिकली फील्ड्स है वो आ रही है एप्लीकेंट आईडी, आईडी की वैल्यू, सीएनआईसी उसकी वैल्यू, डिसिप्लिन उसकी वैल्यू, कॉमा एंड सो ऑन सो फोर्थ। यहां पर पहला ऑब्जेक्ट खत्म होता है, ये पहला ऑब्जेक्ट खत्म हो गया ब्रैकेट से, कॉमा जाता है ये नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आ गया अरे के अंदर सेकंड ऑब्जेक्ट अरे के अंदर, और सेकंड ऑब्जेक्ट की फिर आईडी ठीक है वही है वैल्यू चेंज है फिर तो वही है ना बाकी वैल्यू चेंज है सर। कॉमा तीसरा जब शुरू होगा फिर वही आईडी, इसका मतलब है एक एप्लीकेंट दो तीन चार एप्लीकेंट्स है इसके अंदर। अब इसके एग्जांपल वर्जन में क्या है, इसके एग्जांपल को अगर यहां से क्लोज करें तो ये एप्लीकेंट एप्लीकेंट है, इसको क्लोज करें और इसको भी क्लोज कर दें, तो ये अरे एप्लीकेंट है। असल में जब हम लास्ट टाइम कर रहे थे एरे ऑफ स्ट्रिंग का, क्योंकि ये जो टाइप बनाता है ये नाम एरे ऑफ बनता है और ये डेटा टाइप के साथ, अब ये डेटा टाइप मेरी कस्टम टाइप है ठीक है,
इसको तो नहीं पता ना, दिक्कत नहीं है, पता है कस्टम टाइप पे टाइप करना एप्लीकेंट है और एप्लीकेंट क्लोजिंग टाइप है और इसके अंदर जो फील्ड होगी उसकी वैल्यू बनेगी। मैं सर एक ये फील्ड एप्लीकेंट आईडी की फील्ड है इसकी वैल्यू, सीएनएस की खाली है इसकी कुछ नहीं है एंड सो ऑन। अब ये ज्यादा स्पेस कंज्यूम करता है, क्यों? वहां तो ये लिखा था दिस कॉलम वन, ये और ये ब्रैकेट्स इसकी जरूरत नहीं। तो इसका जो कोड है बेसिकली इसका जो डेटा ट्रैवलिंग है ये ज्यादा बाइट्स में जनरेट करता है डेटा की, ये लेंथी होता है जबकि वो शॉर्ट होता है। ठीक है, इसको कैसे रीड करना है नेक्स्ट कैसे, मतलब आपको तो टेंशन की जरूरत नहीं है। एक्सएमएल के लिए एक्सएमएल की बात है पूरी नेम स्पेस है अगर रीड करनी हो आपने जावा में भी आई थिंक है एक्सएमएल के अंदर उसका नाम है अगर इसको रीड करेंगे ना तो पार्सर होता है ना, पार्सर होता है बेसिकली, पार्सर भी होता है। अगर आपने स्पेसिफिकली ये डाटा उठा के अपने जावा के कोड को दे दो तो जावा इसको समझ सकता है लेकिन वो डाटा बेस से डायरेक्ट क्यूरी नहीं कर सकता। जबकि अब अगर जावा को डाटा बेस से कोई चीज चाहिए भी है तो वो सर्विस को कॉल करेगी, ये नाम लिखेगी पूरा यूआरएल और उसको ये डाटा मिलेगा, वो पास करके अपने किसी टेबल में या लिस्ट में किसी में शो कर देगा। ठीक है, अगर ये आपको नहीं चाहिए, आप कहते हैं यार एग्जामिन मैं नहीं कर सकता या मेरे पास एग्जामिन की क्लास की लाइब्रेरी नहीं है, ठीक है, तो फिर इसकी कोड ऑप्शन थी जो हमने जेएसएन की लिखी, जेएसएन की तो बकायदा पूरी है जावा के अंदर, इसकी भी एग्जामिन के लिए नाम याद नहीं आ रहा, बकायदा पूरी लाइब्रेरी है पैकेज का नाम है। ठीक है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन है अगर एंड्रॉइड को भी काम कर रहा है और वेब सर्विस के साथ कम्युनिकेशन, ये दोनों ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं, इसका जेएसएन वर्जन भी और इसका एक्सएमएल वर्जन भी। चलिए, अब ये वाला काम कोई पीएचपी में कॉल करना चाहे तब भी कर सकते हैं। अभी मैं अपनी वेबसाइट बनाऊंगा माई वेबसाइट और माई वेबसाइट के अंदर अपनी टेक्स्ट के लिए यूआरएल रख करके सारे कंटेंट जो आपके ग्रिड में शो कर सकते हैं और मेरी वेबसाइट जैसे डाटा बेस से कनेक्ट नहीं कर, लेकिन ये जो सर्विस मुझे मिल रही है ये सर्विस मुझे सर्विसेज दे रही है, इसको मैं इंटरेस्ट रेट में गेट एप्लीकेंट्स ये मेरे डाटा बेस से और इस डाटा को मैं ग्रिड में शो कर दूंगा या किसी लिस्ट में शो कर दूंगा या किसी ड्रॉप डाउन में शो कर दूंगा। ठीक है, अब ये कंपेटेबल है आप क्रॉस द प्लेटफॉर्म, सही है। तो अब हम इसके ऊपर मजीद और भी काम कर सकते हैं अगर आपने इंसर्शन करनी है, ठीक है, आपने रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो तो भी कर सकते हैं। अगर आपने वेयर क्लॉज लगाना हो अपने यहाँ पर, मैं कहूँ कि यार मुझे गेट एप्लीकेंट सारे भी चाहिए, मैं कहता हूँ कि मुझे एप्लीकेंट वो वाले चाहिए जिनके बल्कि एप्लीकेंट आई डी नंबर वन मुझे सिर्फ चाहिए, चलिए तो मैं क्यों ही कर सकूँ यहाँ से, मैं वन क्यों ही के तौर पर यहाँ से मैं कैसे देखूँ। तो देयर इज अगेन कम्युनिकेशन वे जो हमने पढ़ा था क्यूरी स्ट्रिंग, मतलब इसके आगे है तो क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन मार्क और आगे लिखे आई डी ये जो हमने फंक्शन बनाया है इसके अंदर एक रिसीवर भी और पैरामीटर रिसीव करेगा, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का करना स्ट्रिंग आईडी। अब एक मिनट, यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीकों से बता देता हूँ, इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क लिखे, क्वेश्चन मार्क के बाद एक फील्ड का नाम आईडी लिखे और इक्वल टू लिखे और दो कर्ली ब्रेसेस वाले और इसके अंदर ये वाला एग्जैक्ट नेम है तो ये नाम है ये एग्जैक्टली बन गया, या आपकी मर्जी है या आईडी लिखो ऐप आईडी लिखो जो मर्जी लिखो, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो ये वेरिएबल का नाम है। अब क्या होगा, अब जब वहां से मैं कॉल करूंगा तो यहां तक तो मेरी सेम होगा, यहां पर वन या टू या थ्री वहां से मैं भेजूंगा, वो वन टू थ्री ऑटोमेटिकली इसमें जब आएगा ना तो वो इसमें आके रिप्लेस हो जाएगा और इसके अंदर मैंने वेयर का क्लॉज लगाया होगा। अब इसकी इंप्लीमेंटेशन क्या चेंज करेगा ये मैं आपको बताता हूँ, कैसे इसमें स्ट्रिंग आईडी रिसीव करेंगे और यहां पर टू लिस्ट से पहले डॉट वेयर लगाएं, डॉट वेयर और फंक्शन कॉल और इसमें लिखते हैं कोई ए वेरिएबल बनाए ए स्मॉल ए और इक्वल टू
greater than sign. Or a dot. Something at ID. Let's say end time, end can change, which is equal to double equal. Or yahan par inline passing nahi karenge, crash kar jata. Aap aise karenge a ID kar diye isko, variable ek float bana de. Applicant ID. Or yahan se upar ek end a ID bana ke ID ko pass. इसी को एंड कर दो, इसको एंड कर दे, फिर नीचे डायरेक्ट आईडी लिखे, उधर भी जाके एंड करें, अब हम इस फंक्शन को थोड़ा सा और इंटेलिजेंट बना दीजिए, जो आप इसी साइड की क्लिकर्स करेगा सिर्फ वही बचेगा, ठीक है? कॉल करने वाला अब इस फॉर्मेट के मुताबिक कॉल करेगा वो कहेगा कि जी ये फंक्शन है क्वेश्चन मार्क के पास id equal to 1 लिखेगा तो सिर्फ 1 वाला रिटर्न होगा 2 लिखेगा 2 वाला ये जी और पासिंग ऑटो करेगा मतलब क्वेरी पैरामीटर का स्ट्रिंग होता है ना सॉरी क्वेरी पैरामीटर का स्ट्रिंग होता है क्वेरी इसीलिए मैं स्ट्रिंग बनाता लेकिन करें ये एरर भी देगा उसको करें तो सही ना आएगा तो क्या फंसता है तो सब अच्छा है एरर आएगा ठीक है इसी को लिखा शेयर पर से मार कर ठीक है जी इसका मतलब ये कि अब इस फंक्शन को उसने क्या किया है कि हमने वहां पर ये जो क्वेश्चन मार्क के बाद 1 भेजा है आईडी इक्वल टू 1 अब बेसिकली ये जो 1 है ये उसको असाइन हो गया वहां वेयर क्लॉज है अगर मैं आईडी की जगह यहां गलती से ए आईडी लिख दूं ऐप आईडी लिख दूं इज इक्वल टू 1 चले अब एंटर करें अभी कुछ भी नहीं लेकर आ रहा क्यों वो ऐप आईडी मेरे जो टेम्पलेट्स है वो मैच ही नहीं कर रही ये जो आईडी मैंने लिखा था ऐप आईडी वो असल में वहां भी ऐप आईडी होना चाहिए था तो ये जो रिक्वेस्ट करने वाला है इसको पता होना चाहिए कि भाई जिस फंक्शन का रिक्वेस्ट भेज रहा हूं उस फंक्शन का टेम्पलेट क्या है समझ आ गया आपको बात एक और आसान तरीका है अक्सर एक क्वेश्चन मार्क लिखना आईडी इक्वल टू लिखना दिस इज जब आप बहुत ज्यादा एंड एंड के साथ भेजते ना आते तब पता चला था कि आईडी 1 हो नेम ए से स्टार्ट हो रहा हो जेड से मतलब एंड हो रहा हो एंड एंड करके लिखना पड़ता है मैं कहता हूं यार कोड इतना बड़ा लंबा सा लेंथ लिखता है इसे एक शॉर्टकट भी है आए वापस सर वीडियो की शॉर्टकट ये भी बनेगा ऐसे ये आप फंक्शन बनाते हैं आप कहते हैं मैं फंक्शन बना रहा हूं जो कॉल करे तो कॉल ये फंक्शन का पैरामीटर पैरामीटर को आप लोग ग्रेटर करके देगा अगर आपको और चाहिए तो और कर लेना फंक्शन बना लो पैरामीटर का कोड कर लेना फंक्शन बना ये तो देखा है आप सर्विस प्रोवाइडर है आप क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं अच्छा इसको और आसान करते हैं हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क वाला कांसेप्ट भी खत्म करते हैं इक्वल टू स्टॉप इन अब हम आसान कर देंगे ये आईडी का ये याद नहीं करते ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको खत्म करें आईडी इक्वल टू इसको भी खत्म करें ब्रैकेट्स मार्क को रहने इसको फॉरवर्ड स्लैश में कन्वर्ट करो फॉरवर्ड स्लैश हम कहते हैं कि जी अगर आपने कोई पैरामीटर पास करना है तो आगे स्लैश बना बना दो और जो पैरामीटर उसकी वैल्यू दे दो ठीक है इसके इसको सेव करें और दोबारा रन करें बस ये बिल्ड कर दें वहां से प्रीवियस अब वहां पर हम आसानी क्या करते हैं यहां पर एक क्वेश्चन मार्क के बाद सारा खत्म कर दें फॉरवर्ड स्लैश बंद कर अब हम कहते हैं कि यार जो वैल्यू बन जा रही है ऑटोमेटिक उस वेरिएबल में क्या ऐसा ही होगा सीक्वेंस का साइन हमें क्या जरूरत है पता है कि वो करने के लिए वेरिएबल आईडी डस नॉट हैव स्ट्रिंग अब यहां पर कर रहे हैं ठीक है अच्छा ये चीज समझ आई क्यों करते हैं एक मिनट लेकर आया वापस ताकि इन्हें पता चल जाए ना क्योंकि क्वेश्चन इन्होंने शुरू में पूछा था ठीक है जो पैरामेट्रिक वैल्यू कहते हैं ना ये ऐसे क्यूरी स्ट्रिंग जा रही होती और ये कहता है कि जी स्ट्रिंग नहीं है name id which does not have type string अगर मैं इस तरह से भेज रहा हूं तो मुझे इसकी टाइप मस्ट चाहिए होगी स्ट्रिंग वहां मैं पास कर दूंगा कर देखो वन यहां से एज ए स्ट्रिंग जा रहा है और वन इंटीजर रिसीव कर रहा है तो वो ऑटो कन्वर्ट नहीं कर रहा क्वेश्चन मार्क के केस में ऑटो कन्वर्ट कर रहा है ठीक है अब वहां पर आए वहां मैं इसका सॉल्यूशन बता दूं अब यहां int को स्ट्रिंग कर दें हमें पता है कि ये स्ट्रिंग में आ इंटीजर ही रहा है ठीक है हम जब अपने इंप्लीमेंटेशन में आते हैं
या इसको स्ट्रेट कर देते हैं और या एक और एक्स्ट्रा लाइन लिख देते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं, एक इंट बना दें एआईडी और इंटीजर डॉट पास कर दें आईडी को और नीचे बेयर में एआईडी कर दें। इसको बिल्ड करें बार बार। इसको रिफ्रेश करें। ठीक है, सो दिस इज वेरी इजी एज कम्पेयर टू अदर। वो पुराना स्टाइल है, ये भी मेरा काम पता नहीं चलता है कि नहीं आपको उसमें कहीं अरे उसको कन्वर्जन कर दो नहीं ये चलता है स्लैश होना क्या मतलब है। चलिए यहीं तक, दैट्स इट। इसके बाद मैं आपको नहीं नहीं बस क्लास। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बताइए। ये वैसे ही आए सही है जी। इसमें ये क्या, अगर कोई क्वेश्चन आंसर है या फिर आप प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो मैं मशीन अलर्ट इसका डेमो दे दूंगा, लेकिन अब तक यही। इसके आगे तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। क्या पिछले लेक्चर के देते हो गए कन्वर्ट।